अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबका आपके अपने चैनल जिसका नाम है रूल्स ब्रेकर। तो और गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसका मतलब आप मुझे अभी तक प्यार और सपोर्ट नहीं दे रहे। तो जाएं जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वेस्ट होंगी, भरपूर डिमांडें मुझे सेंड करते रहें ताकि मैं उन पर रिएक्शन दे पाऊँ। आप सबको पता है कि मैं अभी इंडियन वीडियोज़ पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन देना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टें आ रही हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप सबकी रिक्वेस्टें भी पूरी कर लूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट जल्दी से जल्दी पूरी हो तो सब्सक्राइब बटन के पास ज्वाइन बटन है उसको क्लिक करें, कोई भी मेंबरशिप खरीद लें, आपकी रिक्वेस्ट अगले दिन पूरी हो जाएगी। आपके नाम का आगे एक स्टार बना हुआ आ जाएगा, तो उसका मतलब ये होगा कि रिक्वेस्ट अगले दिन पूरी। डोंट वरी गाइस। तो आइए मिलकर देखते हैं आज की वीडियो, जिसका नाम है, ये नया सॉन्ग आया जो कि है आमिर खान का, जिसका नाम है हरफन मौला। आई थिंक मूवी है, वीडियो फुल ने क्या है, कोई जाने ना। आमिर खान और अली अवराम ने इसमें कहते हैं परफॉर्मेंस किया है, जिसमें अमिताभ बच्चन भी है, विशाल, पता नहीं ये मूवी आ रही है कोई ज्यादा मुझे पता है। तो टी सीरीज की मूवी है, ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। आइए मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इसके बारे में बात, विस्तार करते हैं। अब ओहो अली, ओहो अबे क्या लुक लेके आया, वाह। तो जनाब 2 अप्रैल 2021 को कोई जाने ना, ओके, और हरफन मौला ये मूवी का सॉन्ग है जो कि मुझे लग रहा है, और कोई जाने ना ये मूवी नेम हो सकता है ना शायद, लेकिन बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त
विशाल की आवाज़ लग रही है मुझे इसमें, सिंगर जो लग रहा है। लेकिन आमिर खान की बात करूँ तो यार क्या लुक लेके आया कुछ। एक्चुअली आमिर खान एक प्रोफेशनल एक्टर है, जब इसकी मूवी देखने तो पता चलता है कि यार ये कोई चीज़ बना रहे हैं, कुछ अलग ही टाइप की मूवीज़ आ रहे हैं। आप सबको पता अभी तक आमिर खान की सारी मूवी बहुत ज़बरदस्त अलग हुई हैं, हर किसी मूवी में एक अपना ही मज़ा आया। अभी एक रिसेंटली एक और मूवी आने वाली है शाहरुख खान की, क्या नाम है उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, खान पता नहीं क्या नाम, पर नाम नहीं याद आ रहा। एक और मूवी आ रही है, दोनों मूवी मेरे हिसाब से साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ होने वाली हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग बनाया। एली अब्राम की बात करूँ तो एली एक प्रोफेशनल डांसर है, एक बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग बनाती है, इसके आपने देखे होंगे कि मूवी में भी आ चुकी है, एक्टिंग भी हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा इसने गाने भी बनाए हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगा, एली अब्राम हमें हेलन की याद दिलवाती है, मतलब अगर अगर इस सॉन्ग में उस मुझे लगा कि उसकी थोड़ी सी झलक टाइप थी, लेकिन अगर ये सॉन्ग में नूरा फतेही होती तो बात ही कुछ और होनी थी सॉन्ग की। लेकिन एली अब्राम बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही आला आर्टिस्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी में पता नहीं कौन कौन होने वाला है, ये मुझे लग रहा है कोई चोर डाकू वाली मूवी होने वाली है, कोई पंगे शंगे होने वाले इसमें, तो मूवी आएगी तभी पता चलेगा। उसके अलावा बात करें तो अच्छा था, मज़े वाला था बहुत ही। एक्चुअली मुझे ना एक पता नहीं क्या चीज़ है कि एक ना जब तक वो म्यूज़िक में वो मज़ा ना हो, ये बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मुझे कुछ लगी कि शायद हो सकती थी इससे ज़्यादा इंप्रूव हो सकती थी क्योंकि, लेकिन आमिर खान को डांस करवा दिया और क्या चाहिए। आमिर खान का डांस मैंने धूम 3 में देखा था, धूम 3 में, उसके अब यहाँ पर आके देखा है तो अच्छी मूवी है, अच्छी होगी मुझे जो लग रहा है। अभी तक मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा, इसके बाद देख लूँगा, पर्सनली रिएक्शन नहीं दूंगा, ठीक है। बाकी मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआ में अपने भाई को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़ गाइस, लव यू, टेक केयर।